अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? तो दोस्तों, आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाज़र हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि इससे पहले सिनेमाज काफ़ी अरसे से क्लोज़ हैं, तो अब सिनेमाज रीओपन हुए हैं, तो सिनेमा की जो एडमिशन पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में आज आपको बताएंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे चल के। तो अभी ये कुछ व्यूज़ आप देख लें सिनेमा के काउंटर के एंट्रेंस के, ये इस टाइम सेंट्रो स्मॉल सिनीप्लेक्स के बाहर हैं हम लोग, तो कुछ ये व्यूज़ आप देख लें, उसके बाद आगे चल के आपको एडमिशन पॉलिसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इस टाइम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ काउंटर्स के व्यूज़ थे, और अभी ये जो अभी व्यू आप देख रहे हैं ये सिनेमा एंट्रेंस का है। यहाँ पे आप टिकट कलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सिनेमा में एंटर होंगे। तो अभी आ जाते हैं एडमिशन पॉलिसी की तरफ। एडमिशन पॉलिसी में सबसे पहला जो एडमिशन पॉलिसी का पॉइंट है, उसमें 18 साल के जो सार्फिन हैं, 18 साल से ऊपर, उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। और दूसरा जो इसका पॉइंट है, उसमें 18 साल से कम उम्र के सार्फिन को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर वक्त मास्क पहनना लाजमी है। इसके बाद इसका जो आखिरी और तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हर वक्त मास्क पहनना इंतहाई लाजमी है। आप चाहे सिनेमा के इनसाइड हों या आउटसाइड हों, आप मास्क ज़रूर पहनेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।